नमस्कार, स्वागत है आपका आरपीडी न्यूज में। बांसवाड़ा के माही डैम से डूंगरपुर के सागवाड़ा तक पानी लाने का 18 साल पुराना सपना अब साकार होगा। 2005 में शुरू हुआ नहर का काम 15 साल में पूरा हुआ, लेकिन नहर से पानी नहीं आ सका। अब माही डैम का पानी 185 किलोमीटर दूर सागवाड़ा के लोडेश्वर तक लाने की पूरी तैयारी हो गई है। अभी नहर की सफाई का काम चल रहा है। बीच में आसपुर के से सागवाड़ा के बीच 700 मीटर लंबी, 15 फीट ऊंची और 4 मीटर चौड़ी अंडरग्राउंड टनल बनाई गई है। डूंगरपुर जिले के 1500 गांवों के लिए आखिरकार वह शुभ घड़ी आ ही गई, जिसका यहां के करीब 3.75 लाख लोगों को 18 साल से इंतजार था। माही बांध का पानी भीखा भाई नहर से सागवाड़ा बहुत जल्द पहुँचने वाला है। सागवाड़ा से पानी अभी केवल 15 किलोमीटर दूर है। यहाँ पानी आने के बाद लोडेश्वर बांध में ले जाया जाएगा। यह पानी लोगों को सिंचाई और पेयजल के लिए मिलेगा। यह नहर आसपुर रोड को क्रॉस कर योगिंद्रगिरी की तरफ से गोवाड़ी होते हुए नंदोड़ से लोडेश्वर बांध तक जाती है। आसपुर रोड को पार करने के लिए करीब 700 मीटर लंबी, 15 फीट ऊंची और 4 मीटर चौड़ी अंडरग्राउंड टनल बनाई गई है। सीमेंट कंक्रीट से बनी टनल की जेसीबी और ट्रैक्टरों से जिला प्रशासन, जल संसाधन विभाग, नगर पालिका और माही नहर खंड नहर की टनल की सफाई करवा रहा है। अब माही का पानी 43 किलोमीटर तक आ चुका है। फिलहाल सागवाड़ा शहर समेत कई गांवों में 48 घंटों और 72 घंटों में एक बार पानी की आपूर्ति की जा रही है। यहां पानी आने के बाद डूंगरपुर जिले में साबला, सागवाड़ा, आसपुर, गलियाकोट और चीखली ब्लॉक के कई गाँव में सिंचाई के लिए पानी मिलेगा। 19 अप्रैल को काब्जा के साकरिया फला में नहर टूट गई थी, जिस पर सागवाड़ा विधायक शंकरलाल डेचा ने जल संसाधन विभाग के मुख्य अभियंता और अतिरिक्त सचिव जयपुर भुवन भास्कर और अतिरिक्त मुख्य अभियंता संभाग बांसवाड़ा धीरज जोशी से बात की। विभाग के अधिकारियों ने मामले में तुरंत कार्रवाई करते हुए एमपी से 4 लोहे के पाइप मंगवाए गए। चारों पाइप को टूटी नहर के दोनों हिस्सों से जोड़ दिया गया। इसके बाद इस जगह से फिर से पानी की सप्लाई शुरू हो सकती है। नहर की कुल लंबाई माही डैम से लेकर अंतिम छोर तक 185.84 किलोमीटर है। इसकी बांसवाड़ा जिले में लंबाई 65 किलोमीटर और डूंगरपुर जिले में लंबाई कुआं तक 120.84 किलोमीटर है। बोरेश्वर निठाउआ से इस नहर की लंबाई डूंगरपुर जिले में कुआं तक 120.84 किलोमीटर है। बांसवाड़ा के माही डैम से यह पानी करीब 65 किलोमीटर का सफर तय करके डूंगरपुर जिले के बोरेश्वर में अपने साइफन में आता है। यहां से करीब 70 किलोमीटर का सफर तय कर यह पानी सागवाड़ा पहुंचाया जाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, आरपीडी न्यूज, बांसवाड़ा।